जब गुरु नानक देव जी आए तो कितना अच्छा समा बांधा उन्होंने, जो भक्ति मूवमेंट थी हमारी उस टाइम पे, सारे भक्त आए उस टाइम पे, चाहे कबीर दास जी तो थोड़े पहले आए, मीराबाई थी और चैतन्य महाप्रभु, के सारे जितने भक्त हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे ऐसा एक टाइम था कि बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना अंधेरा था सबके जीवन के अंदर, सोच का अंधेरा, और सोच का अंधेरा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, बाकी चीजें तो चलो ठीक है, पर जो सोच का अंधेरा होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो गुरु नानक देव जी भी तब आए और सारे जितने भी हमारे बड़े बड़े महापुरुष हैं, जितने भी गुरु पीर हैं, वो उस टाइम पे आए और तारने आए सबको। गुरु नानक देव जी ने तो जहाँ जाके उदासियां की और जगह जगह जाके क्या किया, उनको अपने नाम की थोड़ी ना परवाह थी, उनको लगता था कि जो जो उतर जाए, जिसका भला हो जाए, जिसका मन का अंधेरा दूर हो जाए, वहां पर गुरु नानक देव जी जाते थे और पूरी दुनिया में उन्होंने ट्रैवल किया। तो उनको नमस्कार है ना, क्योंकि हमारे जैसे लोग आज भी भटक रहे हैं कितने जन्मों से और गुरु हमको मिले। तो सारे गुरुओं को, सारे पातशाहियों को, दसों पातशाहियों को और जितने भी महापुरुष आए हैं, गुरु पीर आए हैं, जब से सृष्टि चल रही है तब उन सबको नमस्कार है। क्यों? क्योंकि हमसे ज्यादा उनकी समझ है, हम तो भटकते हैं, वो भटकने से परे हैं, तो हमको रास्ता दिखाते हैं। तो इसलिए उन सबको आज नतमस्तक होते हैं कि उनका शुक्राना करते हैं कि वो आए हमारी जिंदगी में, और हर जन्म में वो आते रहे पर हमें पहचान नहीं थी, हर जन्म में हम भटकते रहे हमें पहचान नहीं थी, बट आज इस जन्म में अगर हमको गुरु मिले हैं तो पहचान लें और भटकना बंद कर दें, अंदर का अंधेरा दूर कर दें। कितना सुंदर, आज कितना सुंदर हमें सुना ना कि जितने द्वेष है वो निकाल दो। सबसे ज्यादा तो हमारे अंदर द्वेष है, बिटरनेस है, अंदर कड़वाहट ज्यादा है हमारे, तो जितनी कड़वाहट रखोगे तो ये आपका अपना गिफ्ट आपने रखा होगा। परमात्मा ने तो आपको ये गिफ्ट नहीं दिया था, बट गुरु जी ने आपको हंसना सिखाया, गुरु जी ने आपको ये पॉजिटिविटी का माहौल दिया, उनका शुक्राना है। अब इसलिए आज गुरुपूरब है, वो कहते हैं ना, किसी ने मुझे पूछा फोन करके थोड़े दिन पहले, आज तो ना ग्रहण लगने वाला है। मैं कहा जी तो क्या हुआ, कह रहे वो कहते हैं शाम को ना हम नहीं रखेंगे सत्संग, ग्रहण लगेगा, कुछ खा नहीं सकते। मैंने कहा कौन सा ग्रहण, कितने ग्रहण आ गए कितने चले गए हमें पता ही नहीं लगा आज तक, सच बता दी। और हमारे तो चंद्र भी वही है, सूर्य भी वही है, तो वो क्या ग्रहण करेंगे हमारा, तो मैंने कहा कि ये सब ना वहम भी है। पहले क्या होता था कि पक्के घर नहीं होते थे और कच्चे घर होते थे, तो जितना खाना पीना होता था सारा वो बाहर की तरफ रखते थे और पकाते नहीं थे, क्योंकि उसी टाइम पकाते थे तो वो खराब होने के चांसेस ज्यादा थे। अब तो फ्रिज है, सो कहते सूर्य की किरणें होती चंद्र की किरणें, मैंने कहा पता नहीं यार, मुझे इतना नहीं पता डिटेल, बट अगर सत्संग करना है जिसको बोला आ जाए, नहीं आना ना है। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों का कोई मोल नहीं है। मैं तो सुबह रख लो फिर सत्संग इतना नहीं है, नहीं वो कह रहे फिर ढाई तीन बजे फिर कैसे पकाएंगे क्या। तो मैंने कहा कितना श्याम पे बोलो बैठ जाए सुखा खा लो, यार कितने लंबे चौड़े सवाल है ग्रहण के, और वो भी पूरे है ना। जैसे गुरु नानक देव जी ने कितने सारे लोगों के बहम दूर किए है ना, कि कौवे को खिलाना है ना, हमने श्राद्धों में पता नहीं कौन से दिन, फिर वो ऊपर तक जाएगा है, नहीं तो किधर जाएगा ऊपर, पितरों का उसके आगे दोष, ठीक है ये पुरानी चीजें हैं, बट इसका सबसे ज्यादा है कि अगर आप यहीं पर माँ बाप की अपनी सेवा कर लो तो ऊपर जाने की कौवों को खिलाने की नौबत ही है, ठीक है। तो यहीं पर ही अपने माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो और तर जाओ, अगर ये सेवा कर ली तो ये सबसे बड़ी सेवा, ये गुरु की सेवा मानी जाती है। तो इसलिए ये नहीं कि गुरु के पीछे पागल होते जाओ और अपने सास ससुर अपने माँ बाप को छोड़ दो,
बोलो आप खा लेना आप बना लेना सीधा चल ले बड़े मंदिर सीधा चल ले इतने छो की खाना है मेरे पास टाइम नहीं मेरा बड़े मंदिर में लेट हो रहा है। गलत मुझे कहते हैं पहले अपना काम पहले सबको खिला के मेरे पास आओ मैं जा नहीं रहा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ना हमने जो अपनी वहम पाल रखे हैं अपनी एक स्टाइल बना दिया कि गुरु जी को ऐसे भोग लगाना है गुरु जी को वैसे भोग लगाना है ऐसे करना है वैसे करना है वो इतना ज्यादा स्ट्रेस कर देते हैं एक सत्संग के अंदर कि बंदा जुड़ने से ज्यादा वो डिसिप्लिन होना चाहिए शांत अपने आप को करने के लिए डिसिप्लिन दूसरों को सिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। आराम से आओ ठंडे बैठो आराम से शब्द कीर्तन सुनो चुपचाप लंगर खाओ और नजारे देख के जाओ। तो ये जो इतने सारे ड्रामा जो हम करते हैं ना ऐसे नहीं करना ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं अरेंजमेंट होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए माई गॉड इतना सारा अरे तुमने जोत कैसे कर दी ऐसी नहीं होनी चाहिए। कितना ज्यादा लोग हाइप कर देते हैं इस चीज को कि बंदा ना डरता ही रहता है। तो सत्संग डराने के लिए नहीं होता सत्संग का आनंद लूटने के लिए होता क्योंकि मुझे आनंद बरसात है ना। सो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जब भी सत्संग रखें आप उधर जाके जब भी सत्संग रखते हैं हम तो घबराना नहीं है पहले जो संगत आते हैं बाद में सत्संग रखते हैं डेकोरेशन वो ना फ्लो खत्म होता है जो बात करने सो सिंपल रखो सत्संग सत्संग आपके जुड़ने का आपकी आत्मा ने जुड़ना है गुरुजी से आपके शरीर ने नहीं जुड़ना आपने दिमाग रख देना है गुरुजी के चरणों में और दिल और जो आपकी आत्मा है वो गुरुजी को देना ठीक है और उनके साथ कनेक्शन बनाना। क्यों चाहिए हमको ये सारे कनेक्शन क्यों हम आते हैं सत्संगों में क्यों हम बड़े मंदिर जाते हैं क्यों हम हर जगह क्यों जाते हैं इसलिए क्योंकि हमें एक ठंडक मिलती है एक बिल्कुल सुकून सा मिलता है ना। आपको पता ही नहीं होता हो आप बेवजह मुस्कुरा रहे होते हो कभी कभी है ना बेवजह कई बार आपके आंसू भी बह रहे होते हैं बेवजह आपको एक लहर सी दौड़ती है खुशी की तो आप सोचते हो ये क्या है क्योंकि आपने कभी ऐसा महसूस किया ही नहीं जिंदगी में। तो ये गुरु जी की मेहर कि आपने वो महसूस किया आनंद रस तो वो ही आनंद रस के पीछे हम सारे भागते हैं ना तो चाहे वो 5 मिनट का मिले चाहे वो 10 मिनट का मिले तो इसीलिए लूटते जो वो दे रहे हैं भरपूर दे रहे हैं। और देखो साक्षात गुरु होते हैं तो अलग बात होती है ना कहते हैं लोग और गुरु जी की गद्दी की इतनी पावर है कि आसन आप लगा लो यहाँ पर और देखो उनके नजारे हमको जरूरत ही नहीं है कि मतलब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो उनको महसूस कर सकते हैं सालों के चेहरे देखो कैसे खिले खिले से होते हैं बंदा सोचता है यार वैसे घर से ऐसे आ रहे थे और आज देखो बैठ के खिल गए। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम सत्संग में बैठते ना तो लगता है यही दुनिया है बाहर की दुनिया भूल आए मतलब कहीं है ही नहीं हमारे लिए। तो ये कौन करने वाला है गुरु जी है ना ये कौन करता है हमारे लिए गुरु जी करते इतना ख्याल रखते। एक छोटी सी बात सत्संग सुनाती हूँ कि हम ना एक बार ही चलो सुना देते बड़े मंदिर वाले सत्संग एक दिन ऐसे ही गुरु जी हम बैठे थे हम लोग तो गुरु जी ना कई बार काफी देर तक सबको बैठा देते थे तो मुझे कभी कभी मौका मिल जाता था देर तक बैठने का क्योंकि मेरे हस्बैंड घर में होते थे और मैं गुरु जी के पास थर्सडे संडे क्योंकि वो नहीं जाते थे रेगुलरली बिल्कुल भी उनको वो कहते मेरा कुछ और प्रोग्राम है मैं नहीं 7 बजे के बाद जाना चाहता तो मैं कहा ठीक है जी। तो और मेरे को रहता था कि मैं किसी तरीके से पहुंच जाऊँ काम वाम खत्म करके सारे फिर मैं रेडी होके भाग तो जब वो आते थे मतलब गुरु जी के पास तो मुझे देर तक बैठने को मिल जाता था नहीं तो
गुरु जी कहते मत जाओ, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मेरे हस्बैंड मेरी वेट कर रहे हैं। तो ऐसे एक दिन हम बैठे हुए थे, तो एक तो खिलाते बहुत थे गुरु जी, डलेंगे इतना खिलाते थे, बट ये है कि वो जो खिलाते थे ना, उनको कभी ऐसा नहीं लगता वो माई गॉड है कुछ हम वेट ना, ऐसा वाला नहीं था सिस्टम हमारा, वो ऐसी का वेट पुट ऑन कर लेता। तुसी घर बैठ के डब्बा गुलाब जामुन का खाओगे तो वेट तो हो ही गए थोड़ा, है ना? जो वहां एक गुलाब जामुन खाया तो उससे नहीं वेट पड़ेगा। ये जो घर में गोल गोल की मिठाइयाँ चॉकलेट है ना पेस्ट्रीज खाते हो, उससे आपका वेट बढ़ता है, लंगर से नहीं कभी पड़ेगा। सो ऐसी बहुत खिला पिला के फिर आई थिंक रात के 12 बजे कहते हैं, दो तीन बार हमने लंगर, दो बार लंगर कर लिया, इतना कड़ा प्रसाद भी आया, वो ना घी से सना होता था, इतना सारा तैर रहा होता था घी में, कई बार दूध भी मिला देते थे साथ में। तो ऐसे ही कहते चलो वड्डे मंदिर जाना, उनको कहा कि चल पराठे पैक कर, लस्सी अचार चलो, अब वहां जाके भी खाएंगे हम। और वहां गए तो जहाँ पर वो गुरु जी का रूम है, वहाँ जब गुल्लक पड़ी होती है बड़ी वाली जो की, जब हम दर्शन से लेफ्ट निकलते हैं तो वहां पर हम बैठ गए सारे गुरु जी का यहाँ बैठते हैं। तो लंगर वंगर खाया सब कुछ, तो नीरज को बोलते हैं, अपने गुरु जी बोलते हैं कि किसी को बोला कि जाके ना अंदर शिव की मूर्ति देख के आओ। तो उन्होंने बोला कि हमें तो बोला जा नजारे देखो रात के 12:30-12 बजे बड़े मंदिर में, इमेजिन ऊँडी आगे हम 5-10 लोग। तो उन्होंने कहा जाके देख के आओ। तो वहां पर संगत ही उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो शिव जी की मूर्ति है ना, उसका जो जो सीधा होना चाहिए ना वो थोड़ा सा ऐसे था और बाकी नहीं था। तो किसी ने बताया हमें कि एक बार ऐसी गुरु जी जा रहे थे तो जो ब्रास की शिव जी की मूर्ति थी ना वो डूबी गई है, डुबरी में पड़ी हुई है अभी, मतलब डुबरी गए हुए वो बोले शिव जी, तो वो ना ऐसे करके मुड़ी पूरी ब्रास की मूर्ति, और जो वहां थे उन्होंने वो नजारा देखो तो पागल ही हो गए, वो खा ही गए बोला। और जब तो गुरु जी ने बोला इन्होंने ठीक कर दे, तो हल्का सा फिर उन्होंने वापस ऐसे किया, क्योंकि इमेजिन करो ऐसे करके पूरी मूर्ति मूरी होगी तो कैसा होगा। तो ऐसे नजारे गुरु जी ने उस टाइम पे हमें दिखाए, तो बड़े मंदिर के हर चीज हमने देखी, एकदम छोटी जो भी चीजें थी। और ये कौन कर सकता है, ये नहीं कि गुरु जी ने उसको मुड़वाया, ना ना, शिव की पावर है, शिव जी भी खुश थे गुरु जी को देख के, तो वो भी मुस्कुरा रहे थे। तो ये इमेजिन करो कि ऐसे, ये नहीं कि उनको चमत्कार दिखाने थे, पर ये उनका प्यार था। सो फिर उन्हें कहा गुरु जी का जब थोड़ा सा इसको वापस शिफ्ट करते नहीं तो संगत पागल ही हो जाएगी, है ना, पगला आ जाएगी। तो इसलिए वापस आज भी वो थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब पूरी जैसे हम सीधी रखते हैं ना, तो हर किसी माँ है पर वो डुगरी में है। हाँ जी, सो इस तरीके से ऐसे ऐसे खिलाया पिलाया, फिर 4 बजे छुट्टी करी हमारे, फिर सत्संग सुनाने मुझे ना बड़े बड़े प्यार से मुझे कहते हैं देख ले मेरी किचन, मैंने हाँ जी, जो पहले वाली किचन थी गुरु जी की ब्राउन एंड ऑफ वाइट कलर की थी, तो मुझे कहते देख ले तेरी किचन बड़ी गंदी है, मैंने कहा हाँ गुरु जी बड़ी दीमक लगी हुई है उसके अंदर और मुझे नहीं बनानी है, देख ले अहू जी बनाए। एंड एक्चुअली देखो उनको हमारे घर थोड़ी ना आए, कहते हैं बना ले तेरी किचन नहीं ठीक है क्योंकि दीमक लग गई थी सारा, जब नया घर भी हो उसमें भी दीमक लग जाए तो कितना खराब हो जाता है, तो उनको सब पता है। तो मैंने कहा हाँ जी गुरु जी हाँ जी गुरु जी, मैं ना जाके उनको हक करने लगी, गुरु जी कहते नहीं हो, कितने सारे लोग थे ना सामने, प्यार आ गया क्या करूँ, उनको पता है सारा कुछ। सो फिर मैंने वैसी किचन बनाई जैसे मुझे गुरु जी ने बोले। सो ये उनको सब पता है कि आपके घर में है क्या है, मैं बता रही हूँ अलमारी के कौन से कोने में कौन सी चीज पड़ी हुई है, वो 1 रुपया भी पड़ा होगा वो भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो दृष्टि है हमारी तो इतनी सी है, बस इधर तक देख लिया, इससे ज्यादा हमसे दिखाई नहीं देगा। सो इमेजिन करो उनकी जो जो थर्ड आई है, थर्ड आई उनकी लोग कहते हैं ना ऐसे ऐसे नहीं होती, उनकी आंख के पीछे आंख है। सो ये उनकी अपनी दृष्टि है, वो उनकी पावर है, अगर वो बात समझ गए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझे तो क्या करें, तो लूट लो सारे मजे जितने भी लेने हैं। हालांकि ये भी थैंक यू बोलेगी मैं चाहती हूँ, और बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन के अंदर, बहुत सारा प्यार,
आपके जीवन के अंदर बहुत मुस्कुराहट है, आपके जीवन के अंदर जितनी भी कड़वाहट है आज गुरु जी को अर्पण कर दो, जितना भी ईर्ष्या है, जितना भी द्वेष है वो भी गुरु जी को अर्पण कर दो उनके चरणों में, और अच्छी क्वालिटी लेके जाओ। गुरु जी को बोलना हम प्यार वाले बने, है ना, हम परोपकार वाले बने, हमें इतनी क्षमता देना कि हम किसी का भला कर सके, हमारी नेचर ही बदल दो, है ना, हम बड़े टेढ़े मेढ़े से हैं, आपने हमें एक्सेप्ट किया तो हमारे आप गुरु बख्श दो और गुरु की खान बना। सो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार। आई थिंक आप पूजा सत्संग करेंगे, इसको भी थैंक यू बोलती मैं 2005 में, हाँ जी, तब से लगे हुए रोलिंग 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 गोल 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 तब से गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, तो देखो मैं तो कहती हूँ कि मुझे पता क्या कहते हैं, तो 10 साल पहले क्यों नहीं आए, सो इन उन्होंने फिर 10 साल ऐड भी करने चाहिए ना मेरे लिए, है ना, मुझे खुद बुलाया नहीं और मुझे कह रहे तू आए नहीं तो मैं क्या करूँ। वो सवाल का जवाब ना बड़े सारे कॉम्बिनेशन आंसर्स होते हैं, बट आज तक मैंने जब तक आप ही बताओगे कि 10 साल पहले क्यों नहीं बुलाया और इतना उलामा क्यों दे दिया 10 साल पहले क्यों नहीं आए, सवाल किया ना मुझसे एक गुरु सवाल पूछा कि तू क्यों नहीं आई मेरे पास, तो खुद ही बुलाओगे तो ही आओगे ना। बस सो थैंक यू सो मच गुरु जी एंड फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। आज हम जीते जागते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब आपके जय गुरु जी, जय गुरु जी।